लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा कि वैद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है, अर्थात वैद्युत चुंबक के प्रेरण क्या है, जिसमें आपने पढ़ा कि जब किसी चालक या लूप या कुंडली से संबद्ध चुंबक के क्षेत्र अर्थात चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबक के फ्लक्स का मतलब किसी लूप या पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबक के क्षेत्र रेखाओं की संख्या की माप को चुंबक के फ्लक्स कहते हैं। तो हमने पढ़ा जब किसी भी लूप चालक या कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है अर्थात उससे संबद्ध चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। आपने पढ़ा जैसे ये मान लेते हैं कोई चालक है, अगर इसके आसपास कोई चुंबक गति की अवस्था में लाया जाए या कोई चुंबक गतिमान अवस्था में हो, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट आपको बताया था फैराडे का, जो फैराडे ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था। क्या बताया था फैराडे ने कि जब किसी चालक या लूप या कुंडली के चारों तरफ के चुंबक के क्षेत्र अर्थात चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस लूप या कुंडली या चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई लूप है और ये इसके दो सिरे हैं, अगर ये दो सिरे खुले हैं मुक्त हैं तो अगर इसके आसपास के फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा लेकिन इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा कब प्रवाहित होगी, जब ये बंद परिपथ के रूप में होगा, मतलब इसे किसी परिपथ से जोड़ दिया जाए, ये परिपथ कंप्लीट होगा तो इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो फैराडे का वैद्युत चुंबक के प्रेरण का नियम सभी को समझ में आ जाना चाहिए। क्या है, जो हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब किसी चालक लूप या कुंडली के चारों तरफ के चुंबक के क्षेत्र अर्थात चुंबक के फ्लक्स है ना, चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उससे संबंधित किसी भी प्रश से गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, और अगर चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस लूप या कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। आज हम इसी पर आधारित एक युक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र। वैद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो वैद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, ठीक है। वैद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत जानते हैं कि जब किसी लूप या कुंडली से संबद्ध चुंबक के फ्लक्स या चुंबक के क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। अब इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि जनित्र का सिद्धांत क्या है। जैसे मान लेते हैं ये कोई लूप है और यहाँ पे एक चुंबकीय ध्रुवखंड, एक दक्षिणी ध्रुवखंड रखा है, एक उत्तरी ध्रुवखंड रखा है। अगर इसको हम तेज़ी से घुमाते हैं तो क्या होगा, इससे निकलने वाले चुंबक के फ्लक्स में तेज़ी से परिवर्तन होगा, है ना। जैसे चुंबक, ये उत्तरी ध्रुवखंड है, दक्षिणी ध्रुवखंड है, तो चुंबक के क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या होंगी, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगी। अब इसमें इस लूप को हम जब इस तरीके से घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स क्रॉस कर रहा है इसको, जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो गया। अब फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। फिर घुमा रहे हैं, फिर फ्लक्स बढ़ रहा है, अब फिर से कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको घुमाने से इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, कंटिन्यू यानी कि सतत रूप से बदलता रहता है। इसके कारण यहां पे कौन सी घटना होगी, वैद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण इसके सिरों पे क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक युक्ति है जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत जनित्र कहते हैं। इसमें यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कैसे, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से हम किसी लूप को एक प्रबल चुंबक के क्षेत्र के मध्य तेजी से घुमाते हैं। किसी भी लूप को यांत्रिक ऊर्जा की मदद से, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब जैसे आप हाथ से किसी लूप को घुमाइए या किसी मशीन से घुमाइए, मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एक लूप को हम एक प्रबल चुंबक के क्षेत्र के बीच में क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिसके कारण उस लूप से गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या होती है, एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा
भाई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या उत्पन्न हो रही है, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि वैद्युत धारा के कारण हम वैद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वैद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दृष्ट धारा जनित्र। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? प्रत्यावर्ती धारा, इसके लिए समझना पड़ेगा, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जो सतत रूप से हर आधे चक्र के बाद अपनी दिशा को बदल रही। जैसे ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है कि हर आधे चक्र के बाद इसकी दिशा क्या होती है? बदल जाती है। तो इस प्रकार की धारा को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और जिस जनित्र द्वारा हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बदलती है, लेकिन इसके कारण परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा क्या होती है? हर आधे चक्र के बाद एक निश्चित समय के बाद क्या होती है? बदल जाती है। ठीक है, दृष्ट धारा जनित्र क्या है? जिसमें धारा कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्ट धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्लियर है कि वैद्युत जनित्र है क्या। वैद्युत जनित्र वैद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। कैसे? यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा हम किसी भी लूप को जब एक प्रबल चुंबक के क्षेत्र में घुमाते हैं तो उससे संबंधित चुंबक के फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके कारण वहां पे वैद्युत चुंबक के प्रेरण के कारण एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है जब धारा एक निश्चित समय के बाद अपनी दिशा को पलट दे, है ना, हर आधे चक्र के बाद अपनी दिशा को पलट दे, तो वैसी धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और ये धारा जिस जनित्र से उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी वही है, किसका? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का। यहाँ पे भी सिद्धांत किसका लगता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लगता है। बस क्या होता है यहाँ पे कि धारा की दिशा हर आधे चक्र के बाद बदल जाती है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और कैसे उत्पन्न होती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न होती है। अब देखेंगे इसकी रचना क्या है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वैद्युत चुंबक के प्रेरण का? भाई सिद्धांत इसका यही है कि वैद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत लगता है जनित्र में। तो सिद्धांत ये कहता है कि जब चुंबक के क्षेत्र में किसी लूप को हम घुमाएंगे तो क्या होगा? उसमें एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे एक चुंबक के क्षेत्र होना चाहिए, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। दो ध्रुवखंड रखे, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुवखंड, एक चुंबक का दक्षिणी ध्रुवखंड रखा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे देखिए एक प्रबल चुंबक के क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, इन चुंबक के ध्रुवखंडों को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, वैद्युत चुंबक के प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाने पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली को घुमाने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना होने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आवश्यक है। तो जिसके लिए क्या लगाया जाता है? दो चुंबकीय ध्रुवखंड लगाए जाते हैं, है ना, जिसकी सहायता से एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन चुंबक के ध्रुवखंडों को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र चुंबक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? हमारे पास कुंडली होनी चाहिए जिसमें कि प्रेरण की घटना हो, जिसे हम चुंबक के क्षेत्र के बीच में क्या करेंगे? घुमाएंगे। तो दूसरा क्या है? आर्मेचर अथवा कुंडली। ये क्या होती है? तांबे के कई फेरों को मिलाकर एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर या कुंडली कहते हैं। क्या होता है? अब जब इस कुंडली या लूप को इसके भीतर हम घुमाते हैं चुंबक के क्षेत्र में, तो इसमें क्या होता है? प्रेरण की घटना होती है जिसके कारण इसके सिरों के बीच क्या होता है? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सर्पी वलय तथा ब्रश। ठीक है, अब इस कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, भाई जब इस लूप या कुंडली को हम इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाएंगे तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिसके कारण प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसे बाह्य परिपथ तक पहुंचाने के लिए इसके सिरों को दो छल्लों से जोड़ दिया जाता है जो घूमते रहते हैं इसको टच करते हुए, और इससे इसका संपर्क टूटता नहीं है। ठीक है, जैसे एक वाले से हमने ये तार जोड़ दिया और
ये दूसरा तार हमने दूसरे वाले से जोड़ दिया। जैसे ये क्या है, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसको यहाँ पे ऐसे एक पिन हमने तार की पिन ऐसे रख दी, अब ये क्या रहेगा, घूमता कर रहेगा और कंटिन्यू इसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तारों को दो वाले से, दो छल्लों से हम जोड़ देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सर्पी वाले कहते हैं। अब सर्पी वाले से बाह्य परिपथ को जोड़ने के लिए इन पर दो ब्रुश लगे होते हैं, दो पट्टियाँ लगी होती हैं, जिसकी सहायता से हम बाह्य परिपथ को जोड़ते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रुश कहते हैं। ये क्या है, सर्पी वलय, ये क्या है, ब्रुश। ठीक है, अब जब प्रेरण के कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो सर्पी वलय से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगी, बाह्य परिपथ में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित क्लियर हो गया। ठीक है, इसका सिद्धांत पहले ही हम जान चुके हैं, क्या वैद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट इसकी अब हम देखेंगे कार्यविधि। क्या है कार्यविधि, पहले से जानते हैं कि अगर हम किसी लूप को चुंबक के छेद के बीच में घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, उससे संबद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबक के फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो उसमें वैद्युत चुंबक के प्रेरण की घटना होगी, जिसके कारण उसमें एक प्रत्यावर्त, एक वैद्युत धारा, एक प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, समझ सकते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं ये एक लूप है। ठीक है, मान लेते हैं ये सिरा ए है, देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। ठीक है, अब इस लूप को हम दक्षिणावर्त दिशा में ऐसे इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, अब जब इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे तो इसमें धारा की दिशा क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि दक्षिणावर्त दिशा में जब घुमाएंगे तो ये चीज़ समझिएगा सभी लोग, दक्षिणावर्त दिशा में जब घुमाएंगे तो पहले आधे चक्र में भुजा ए बी ऊपर आएगी, अगले आधे चक्र में भाई जब इसको ऐसे पलट देंगे तो सी डी इधर आ जाएगा, अगले आधे चक्र में भुजा सी डी ऊपर आएगी, इस तरीके से रोटेट होगी, है ना। मतलब हर आधे चक्र के बाद इनके घूर्णन की दिशा बदलती रहेगी। जैसे देखिए क्या हो रहा है, पहले आधे चक्र में क्या हो रहा है, सी डी ऊपर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आधे चक्र में क्या हो रहा है, फिर ए बी ऊपर आ रहा है, फिर सी डी ऊपर आ रहा है ना, इस तरीके से। समझ में आ रही सभी को बात, कि जैसे मान लेते हैं ये ए बी और ये सी और ये डी, तो इसको जब घुमाएंगे तो पहले आधे चक्र में ए बी ऐसे होगा, नेक्स्ट आधे चक्र में सी डी ऊपर आएगा, इस तरीके से ये रोटेट होगा। ठीक है, अब इसके कारण इसमें प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है समझ लेते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा है कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को मध्यमा उंगली चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो तर्जनी उंगली होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं चुंबक के क्षेत्र की दिशा क्या है, बाएँ से दाएँ की तरफ एन टू एस होती है। ठीक है, तो ये हो गई चुंबक के क्षेत्र की दिशा। ये क्या हो गई भाई, चूंकि कुंडली हम किधर घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में, तो ए बी भुजा ऊपर आएगी, तो ये हो गई चालक की गति, तो ये किसकी दिशा हो गई, प्रेरित धारा की दिशा। इस तरीके से पहले आधे चक्र में जब हम कुंडली ए बी सी डी को घुमाते हैं तो जब भुजा ए बी ऊपर की तरफ आती है और सी डी नीचे की तरफ जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, जो धारा की दिशा है वो क्या होगी, बी टू ए होगी। बी टू से ए से होते हुए वो किस में आएगी, देखिए ये जो संबंध है इसका किससे है, सी टू से, फिर सी टू से होते हुए सी वन में जाएगी, इस तरीके से रोटेट होगी। तो हमने यही तो बताया आपको कि पहले आधे चक्र में धारा की दिशा क्या होगी, बाह्य परिपथ में सी टू से सी वन की तरफ होगी। नेक्स्ट आधे चक्र में क्या होगा, अगले आधे चक्र में जब ये, जैसे ये कुंडली क्या थी, ए बी और ये सी डी, अगले आधे चक्र में ये भुजा इस तरीके से होगी, ए बी इधर आ गया, सी डी इधर आ गया, तो अगले आधे चक्र में सी डी क्या होगी, ऊपर आएगी और ए बी नीचे जाएगी। अब धारा की दिशा क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ पे धारा क्या थी, डी से सी की तरफ थी, तो अगले चक्र में धारा क्या हो जाएगी, सी से डी की तरफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगले चक्र में सी डी ऊपर आएगा, है ना। ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो यहाँ पे भी ये ऊपर आ रहा है, तो अगले आधे चक्र में ये ऊपर आएगा, तो जब सी डी ऊपर आएगा तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, सी से डी की तरफ, तो इस परिपथ में धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब जब धारा की दिशा बदल जाएगी तो ये प्रोसेस हर आधे चक्र के बाद क्या होगा, बदलता रहेगा, यानी कि हर आधे चक्र के बाद धारा की दिशा क्या होगी, बाह्य परिपथ में बदलती रहेगी। इस प्रकार बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा कैसी होगी, प्रत्यावर्ती धारा होगी। ठीक है,
तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या, इसकी रचना आती है, क्रियाविधि आती है, ठीक है, और इसका सिद्धांत आता है। ठीक है, तो सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, नोट कर लीजिए।